अपनी इस बहू से पूछो कि ये बहू बड़ी खुशबू से मुअत्तर लगती है, इसके कमरे से इतनी अजीब खुशबू आती है और हमारे आंगन में बिल्कुल ऐसी बेहतरीन खुशबू है, ये खुशबू कहां से आती है? ये खुशबू कहां से आती है? दुनिया के पर्दे पे हमने ऐसी खुशबू ना देखी, दुनिया के किसी पुष्प में ऐसी खुशबू नहीं है, दुनिया के किसी आंगन में ऐसी खुशबू नहीं है जैसे खुशबू के आमना के आंगन में है, जैसे खुशबू के आमना के घर में है, जैसे खुशबू के आमना के मकान है, जैसे खुशबू के आमना की बेगे है, नहीं आ रही है। तुम अपनी इस बेटी से पूछो खुशबू कहाँ से आती है, इसे खुशबू कौन लेके जाता है, इसे खुशबू कौन लेके जाता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी शर्मा हया ना करके अर्ज करती है, मेरे सरदार जिस चीज का एहसास आप कर रहे हैं उसका एहसास मैं भी कर रही हूँ। हदीस शरीफ के अल्फाज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, अपनी बहू से पूछो वो खुशबू कहाँ से लगाती है? अल्लाह पर कुर्बान जाइए, बड़ी हिम्मत बात करके आपकी दीदी ने अपनी बहू से पूछा कि बेटी तुम्हारे शोहर का विसाल हो गया है, तुम्हारे शोहर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, यही हमारे बेटे दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और तुम्हारे पास कोई खुशबू लाने वाला भी नहीं है, लेकिन बताओ तुम्हारा कपड़ा खुशबू से क्यों महक रहा है? ये ऐसी अनोखी खुशबू, ऐसी लाजवाब खुशबू, ऐसी बेनजीर खुशबू कहां से आ रही है? हाली के